नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, अंबानी जी की एक और शेयर में बहुत भारी गिरावट आ सकती है अगर वो इस लेवल से नीचे गिरते हैं। तो आप भी जानना चाहते हैं वो कौन सा लेवल है और कौन सा वो शेयर है, तो मैं ज़रूर आपको इस वीडियो में, आप बने रहिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के अगर उस शेयर को बाई किए हैं, तो दोस्तों आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों कहीं ना कहीं फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, और लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए फंडामेंटली ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका मेन पर्पज जो है वो शॉर्ट टर्म का है, तो दोस्तों लिए आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, शॉर्ट टर्म में टेक्निकल एनालाइज की बात किया जाए तो कुछ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, उसके बाद इसमें करेक्शन आया, लोगों ने प्रॉफिट्स बुक किए, उस एक लेवल से ये नीचे गिरने लगा, इसमें लोअर सर्किट लगने लगा, तो दोस्तों इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आ रही है और फंडामेंटली कोई कमी नहीं है इस शेयर में। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कौन सा वो शेयर है, तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कौन सा वो शेयर है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं NSE की वेबसाइट पे आपको दिखा दे रहा कि आज का क्या इनका ट्रेडिंग रहा है। तो आप देख सकते हैं आज भी ये 5% के लोअर सर्किट पे था। प्रीवियस क्लोज की बात किया जाए तो 87.65 रुपये था। ओपन की बात किया जाए तो 85.70 रुपये। हाई की बात किया जाए तो 87.80 रुपये। लो की बात किया जाए तो 83.30 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ लो इसने बनाया वही उसी पे ये जाके रुक गया। दोस्तों अगर 52 वीक हाई की बात किया जाए तो 115.05 रुपये, जो कि 22 जुलाई को बनाया था, यानी इसी मंथ में आप कह सकते हैं कि पिछले एक दो हफ्तों के अंदर। वहीं 52 वीक अगर लो की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 25.50 रुपये, जो कि 25 मार्च को इसने बनाया था। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात किया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5.5 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरी की बात की जाए तो 2 लाख के आसपास है। परसेंटेज की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 34% से भी ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों ये डेटा मैं 2 बजे लिया था, तो उसके बाद अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आया होगा तो उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिटेल अगर देखें तो अब मैं आपको कुछ डीपली डिटेल की बात करके दिखा दे रहा, ताकि आपको समझ में आए कि ये शेयर ऊपर क्यों गया था, उसके बाद इतनी तेज़ी से नीचे क्यों आ रहा है। अगर फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो फिर इस शेयर में गिरावट क्यों आ रही है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब ये डिटेल मैं टिकर बाई फिनोलॉजी के थ्रू दिखा रहा, तो देख सकते हैं दोस्तों पहले यानी कि मार्च अप्रैल से पहले इनका जो पी चला था वो नेगेटिव या फिर पी जीरो था। अब देख सकते हैं अप्रैल में ये पी, इनका पी काफ़ी तेज़ी से उठना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं ये काफ़ी तेज़ी से रॉकेट की तरह ऊपर गया, इनका पी 60 का लेवल टच किया, यानी दोस्तों जीरो का पी अचानक वो भागता है और 60 का लेवल टच करता है, ये कुछ सडन होगा। इसीलिए दोस्तों अब इनके अगर शेयर प्राइस की बात किया जाए तो उसमें भी आप देखेंगे सडन में ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया और काफ़ी तेज़ी से ये 109 के लेवल को टच किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर सडन में कोई चीज़ उठता है डायरेक्टली, आप ये कहें कि वो एकदम फ्लैट चल रहा है, सडन वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, तो दोस्तों ये शेयर मार्केट है, कोई भी शेयर यहाँ सिर्फ सीधे ऊपर नहीं जाते हैं, उसके लिए ऊपर नीचे लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये वही रीज़न है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा चुका था, बहुत से इन्वेस्टर बहुत से बायर इंक्लूड हो चुके थे, तो दोस्तों एक करेक्शन आना तो ज़रूरी था, तो ये वही करेक्शन है। अगर रीज़न की बात किया जाए तो क्यों, तो दोस्तों पॉजिटिव रीज़न के पॉजिटिव न्यूज़ अगर मार्केट में आता है तो ऐसे रीज़न्स होते हैं कि सडन में शेयर ऊपर भागने लगता है, या फिर दोस्तों कोई बड़ा ही इन्वेस्टर इंक्लूड होता है जैसे कि अंबानी जी, और इसमें बहुत से ऐसे बड़े इन्वेस्टर इंक्लूड हुए हैं जिससे ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, या फिर ऑपरेटर्स के गेम से भी कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो शेयर को भगाते हैं, फिर अप पे जाके वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर को छोड़ देते हैं और शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता है। दोस्तों ये भी रीज़न हो सकता है, तो आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आगे अगर फाइनेंशियल की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं इनके रेवेन्यू जो कि का हर साल 2017 से मैं डिटेल दिखा रहा हूँ, 17 से 20 के बीच में, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू तो इनका बढ़ रहा था, जो कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा था, लेकिन दोस्तों इनकी प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रही थी। 17 में भी इन्हें लॉस हुआ,
18 में भी लॉस हुआ और 19 में भी लॉस हुआ, लेकिन दोस्तों 2020 में इन्हें प्रॉफिट हुआ और कमाल की प्रॉफिट थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम बाद ये शेयर प्रॉफिट में आया था तो लोग काफ़ी बुलिश हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा इस पर भरोसा करके इस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे। अब देख सकते हैं जब अचानक बहुत ढेर सारे बायर एक ही शेयर में आ जाते हैं तो वो शेयर बहुत तेज़ी से भागना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसा कुछ इसके साथ भी हुआ। और जहाँ तक अंबानी जी का भी हाथ इस पर पड़ा तो लोग और बुलिश हो गए कि अब तो ये शेयर जिस हिसाब से रिलायंस भाग रहा है, जिस हिसाब से हैथवे केबल भाग रहा है, तो ये शेयर भी अब संभल जाएगा। इसलिए दोस्तों बहुत ढेर सारे इन्वेस्टर आ गए, तो उसमें ऑपरेटर्स भी आ गए। ऑपरेटर्स ने जब ऊपर जाके इसे अपना सेल करना स्टार्ट किया तब ये शेयर नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो दोस्तों अगर फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए तो कुछ मैं इनके डिटेल दिखा दे रहा हूँ रिजल्ट की, आप जिससे आपको कंफर्म होगा कि क्या डिटेल्स रहे हैं। तो दोस्तों अब टोटल रेवेन्यू की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 14.5% का पॉजिटिव रिटर्न था 2020 में। ईबिटा की बात किया जाए तो आप देख हैं 3000 के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न था, तो दोस्तों कमाल का ईबिटा भागा था, इसीलिए कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा बुलिश हो गए थे। नेट इनकम 125.20% का पॉजिटिव, ईपीएस 117.80 का पॉजिटिव। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिस हिसाब से रिजल्ट है 2020 में, तो कहीं ना कहीं बुलिश होना तो जाहिर सी बात था, क्योंकि दोस्तों इतने अच्छे रिजल्ट वो भी छोटी कंपनी का, तो इसीलिए दोस्तों इसमें ज़्यादा बायर आए और उसके बाद एक लेवल के बाद लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, इसलिए अब ये गिरना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अगर प्राइस कंपैरिजन की बात किया जाए तो इनके सेम सेक्टर के जो कुछ पीयर्स हैं, जो इनके कंपटीटर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक साल का डेटा है, तो अगर डेन की को बात किया जाए तो ब्लू लाइन जो है डेन की है, डिश टीवी की बात किया जाए तो रेड में है, और वहीं आप देख सकते हैं GTPL हैथवे की बात किया जाए तो आपको येलो में दिखेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ने काफ़ी तेज़ी से अच्छा रिकवर किया, यहाँ पे 0% पे ये चला था, ये जो लाइन डिनोट कर रही है ये 0% की है, आप देख सकते हैं उसके नीचे माइनस में है, उसके ऊपर प्लस में है। तो दोस्तों ये जो लेवल है डेन ने जिस हिसाब से रिकवरी स्टार्ट किया उसमें आपको मैक्सिमम 78.65% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। तो दोस्तों कोई माइनस में चलने वाली कंपनी अगर सडन में पॉजिटिव में आ जाए वो भी इतना अच्छा खासा कि 80% का पॉजिटिव रिटर्न देने लगे, तो दोस्तों जाहिर सी बात है बुलिश होना तो आम बात है। तो सेम टू सेम वही कंडीशन हुई है दोस्तों इस शेयर में भी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स 86.53%, पब्लिक 12.25%, FII 0.73%, DII 0.39%, अदर 0.1%। यानी दोस्तों प्रमोटर्स भी काफ़ी बुलिश हैं, प्रमोटर्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें बना रखी है, तो इसीलिए फंडामेंटली दोस्तों इस शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया आप देख सकते हैं प्रमोटर्स भी अच्छे खासे स्टेक में हैं, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, हालांकि मार्च 19 के बाद आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा 2018 में प्रमोटर्स का बहुत नॉर्मल सा आपको 36.45% दिख रहा था। उसके बाद दोस्तों अंबानी जी की भी हाथ इसमें पड़ी और बाकी बड़े इन्वेस्टर्स भी आए, आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की स्टेक भी बढ़ गई। तो प्लेस शेयर बिल्कुल नहीं है, डेप्ट बहुत मामूली सा है, तो इसलिए दोस्तों फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब स्मॉल कैप कंपनी है तो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी जिस हिसाब से ऊपर भागती है उस हिसाब से गिरता भी है, तो सेम टू सेम वही रीज़न हुआ है। लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये शेयर लोगों ने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि चलो शॉर्ट टर्म में पैसे अच्छे खासे बढ़ जाएंगे, लेकिन दोस्तों वो मुश्किल है क्योंकि स्मॉल कैप में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर शेयर भाग रहा है तो गिरेगा भी, ये फिक्स होता है। तो लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ये होता है कि थोड़े बहुत करेक्शन आने के बाद वो फिर से भागना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और वहीं देख लेते हैं दोस्तों अगर 20 दिन के EMA देखते हैं तो 88.03, जो कि आज ये लेवल टूट गया था, और ये लेवल टूटने के बाद आपको देखने को मिलेगा अगर नेक्स्ट इनका जो सपोर्ट की बात किया जाए तो ये 50 दिनों के EMA पे अपना सपोर्ट लेंगे जो कि है 76.66। अगर दोस्तों ये लेवल टूटता है तो इसमें भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, फिर ये 70 के नीचे आपको देखने को जल्दी ही मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपको एग्जिट करने का मौका मिलता है और अगर ये तो अपने 50 दिनों के EMA के आसपास जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए होल्ड करके रखें हैं आप जितना मैक्सिमम
होल्ड करके रख सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न देगा, कंपनी में कोई बुराई नहीं है। वहीं दोस्तों MACD की बात किया जाए तो आप देखते हैं MACD जो लाइन है वो क्रॉस कर चुकी है सिग्नल लाइन को और सिग्नल लाइन के नीचे आ चुका है। तो दोस्तों ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, और इस कारण भी इसमें भारी गिरावट आती है क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो भी इसमें एग्जिट करके निकलना चाहते हैं। दोस्तों इसमें जो स्विंग ट्रेडर होते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसी जैसे भी आपको यहाँ स्विंग देखने को मिलता है वो इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो इस कारण इसमें गिरावट फिर से आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे कोई इंटर किया होगा स्विंग ट्रेडर तो वो यहाँ पे ज़रूर एग्जिट करने की कोशिश करेगा, और एग्जिट जैसे ही करेगा तो जितने भी स्विंग ट्रेडर्स रहेंगे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहेंगे वो बाहर निकलेंगे, तो ये शेयर में और ज़्यादा बिकवाली आएगी और गिरावट चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न है। वहीं अगर MFI की बात किया जाए तो MFI दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग है, ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों बाकी इंडिकेटर्स को भी ध्यान देना होता है, एक इंडिकेटर्स पे पूरा शेयर नहीं निर्धारित होता। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर कल को या फिर नेक्स्ट वीक में अगर ये यहाँ पे संभलता है, जैसे आज इसने संभलने की कोशिश किया लेकिन लास्ट होते होते इसमें फिर से नेगेटिव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा कि इसमें लोअर सर्किट लग गया था। तो दोस्तों अगर कल या फिर इस वीक के लास्ट में ये संभलता है तो इसमें भी फिर से अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर नहीं संभलता तो नेक्स्ट वीक में ये संभलेगा और आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों परेशान ना हो, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करके रखें, शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा उनके लिए रिस्क हो सकता है, तो इसीलिए बाकी इंडिकेटर्स को ध्यान में देते रहें। अगर इंडिकेटर्स लो पड़ते हैं तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, अगर यहाँ से संभलता है ये शेयर तो आप बने रहें, आपको अच्छा खासा रिटर्न होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।